All right, friends. Now you just refer your question number 3. You just refer your question number 3. We'll continue with the material and page number 2 from question book and question number 3, page number 2 from question book and question number 3, page number 1.3 from solution book. सही है सुनो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैंने हमेशा आपको यह बताया है कि इन कॉस्टिंग अवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट मींस व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ अवर ओन मिस्टेक, दैट लॉस वी कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर. इफ यू आर गोइंग टू रिकवर, यू कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज. आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा इंक्रीज. सही है सुनो फ्रेंड्स, याद आ रहा है आपको? अभी उसी बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन है, आप जरा देखिए. अगर वो अनकंट्रोलेबल लॉस है, इसका मतलब हमको कस्टमर से लेना पड़ेगा. अगर अनकंट्रोलेबल लॉस है, अगर अनकंट्रोलेबल लॉस है तो हमको कहां से लेना पड़ेगा? यू हैव टू रिकवर फ्रॉम कस्टमर. और अगर वो कंट्रोलेबल लॉस है, अगर वो कंट्रोलेबल लॉस है तो देन यू हैव टू चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. आप कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में चार्ज करिए. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर होनो. ओके, सो जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर पेज नंबर 2. मैंने आपको बोला था ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 2 आराम से आप रीड कर लीजिए एंड जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द इंपोर्ट ऑफ डी सेलिंग रिंग मेड बाई ए बी कंपनी ड्यूरिंग दिसंबर 2016 आर गिवन बिलो. सीलिंग रिंग हम लोग परचेज करेंगे 1000 पीसेस इनवॉइस्ड एट द रेट ऑफ यूके का प्राइस है पाउंड 2. सी आई एफ इट मीन्स कॉस्ट इनवर्ट एंड फोर्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट बॉम्बे पोर्ट. कस्टम ड्यूटी पेड 100% ऑन इनवॉइस वैल्यू which was converted to Indian currency by adopting a exchange rate of rupees 17.2 per UK pound. Clearing charges 1800 for the entire consignment and freight charges 1400 for the transporting the consignment from Bombay port to factory premises. It was found on inspection that 100 pieces of above material were broken and therefore rejected. There is no scrap value for the rejected part. No refund for the broken material would be admissible as per the terms of contract. The management decided to treat 60 pieces as a normal and 40 pieces as a abnormal. The entire quantity of 900 pieces was issued to production. A. Total cost of material. B. Unit cost of material issued to production. Also state briefly how the value of 100 pieces rejected in inspection will be treated as a in cost. Out of this, apne ko bifurcate karna padega normal loss and abnormal loss. Normal loss means which is uncontrollable loss. Iska matlab wo kahan se lena padega? You have to recover from customer. If it is a controllable loss, you charge to P&L account. Total cost of material. मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल. इट मींस योर परचेज कॉस्ट, योर परचेज कॉस्ट, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट. सही है सुनो, रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट. परचेज कॉस्ट मींस योर परचेज वैल्यू प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिटवीन योर वेंडर, वेंडर टू प्लेस ऑफ स्टोर, वेंडर टू प्लेस ऑफ स्टोर, वेंडर टू प्लेस ऑफ स्टोर इज नोन एज दिस. ऑलराइट फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल,
issued to production. Also state briefly how the value of 100 pieces rejected in the inspection will be treated in cost records. Say yes or no friend. तो पहले आप आ जाइए परचेज वैल्यू प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसमें दो ही दे रखे हैं, एक आपका है परचेज वैल्यू और एक आपको दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. परचेज वैल्यू प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स. ओके इट मींस यहां पे आप आ जाइए फर्स्ट. ओके फ्रेंड्स सो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, योर स्टेप नंबर वन. Statement showing material cost. All figure in rupees. The particulars relating to import of D sealing ring made by AB and company during December 2016 are given below. Sealing ring 1000 pieces UK pound 2, it means sealing ring, this is your purchase value. 1000 pieces into pound 2 और 1 pound का रेट is 17.2. 1 pound का रेट is 17.2. It means 1000 into 2 into 17.2 and this comes to 34,400. Then you add custom duty is 100% of 34,400. Say yes or no friends. Then clearing charges, what are the clearing charges is 1800. This all your direct expenses. ये आपके किस में आ जाएंगे friends? Direct expenses. Clearing charges 1800. Freight charges 1400. 34,400 into 2 plus 1800 plus 1400 is 72,000 and this will be your total. आपका total क्या हो जाएगा? 72,000. This will be your total cost of material. आपका material का total cost क्या क्या हो जाएगा? First is your purchase value. Purchase value means 1000 pieces. Pound 2, 17.2. Custom duty 100% of 34,400. Clearing charges 1800 rupees, freight charges 1400 rupees and total 72,000. Yes, this will be your material cost. This will be your total material cost. ये सब आपके किस में आ जाएंगे? Under the head of direct. आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन this will be under the head of direct expenses. Under the head of direct expenses 1, 2, 3 and 4. Under the head of direct expenses. Now, ये आपका हो गया answer number A. This will be your answer number A. कौन सा हो जाएगा friends? This will be your answer number A. Total cost of material. What is the total cost of material? This will be the total cost of material. Okay? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Total cost of material. This will be your total cost of material. This will be your total cost of material. Okay. Now, second, what are they asking?
unit cost of material issued to production. Okay, then this is your unit cost of material. Then material cost less realization from normal loss divided by purchase quantity minus normal loss. What is the material cost? Material cost is 72,000. रिमेंबर प्रोसेस कॉस्टिंग में अपन ऐसा करते थे, याद आ रहा है? प्रोसेस इज द नेम ऑफ द टेक्निक टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, याद आ रहा है फ्रेंड्स? परचेज क्वांटिटी, परचेज हमने किया है 1000. अब उसमें से क्या बोल रहा है? इट वॉज फाउंड ऑन द इंस्पेक्शन दैट 100 पीसेज ऑफ द अबव मटेरियल वर ब्रोकन. 100 आपके पीसेस क्या हो गए ऑफ द अबव मटेरियल इज ब्रोकन एंड देयरफॉर रिजेक्टेड. There is no scrap value for rejected part. आपको scrap value क्या मिलेगा? Zero. There is no scrap value of rejected part. No refund for the broken material would be admissible as per the terms of contract. The management decided to treat 60 as a normal and 40 as a abnormal. Whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer, or if you are going to recover, you cannot survive because your cost of production will increase. इसका मतलब जो normal loss है 60, वो आपका यहाँ आ जाएगा. It means 72,000 divided by 1000 minus 60 is 940. So 72,000, say yes or no friends, 60 you considered as a normal loss. 60 you considered as a normal loss. It means 72,000 divided by 940 is 76.59. Say yes or no. So you can say this is 76.6. Say yes or no. टोटल आपका मटेरियल कॉस्ट क्या है? आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट 72,000, रियलाइजेशन 0, 1000, 60, 72,000, 940, 76.59 और से 76.6. यू कैन से द प्राइस इज 76.6. सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको एक यूनिट का जो इश्यू प्राइस है, यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मीन्स अगर हम लोग एक यूनिट इश्यू करते हैं तो उसका व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका पर यूनिट का क्या प्राइस रहेगा? पर यूनिट का आपका प्राइस रहेगा से 76.6. परफेक्टली क्लियर. Also state briefly how the value of 100 pieces rejected in the inspection will be treated in cost. Okay, cost में हम इसको कैसे treat करेंगे? It means this is your statement showing treatment of 100 units in cost records. Okay, so 100 units are there, 100 units mein se
one is your normal loss and one is your abnormal loss. Normal loss 60 units, abnormal loss 40 units. 40 units into 76.6. 40 units into 7.6 is 76.6. 3064. 40 units into 76.6. 3064. ये हमारा कहाँ चला जाएगा? Costing, profit and loss account. ये हमारा कहाँ चला जाएगा? Costing. और ये हम किसको चार्ज कर देंगे? चार्ज टू गुड यूनिट्स. ये हम किसको चार्ज कर देंगे? दिस वी विल चार्ज टू गुड यूनिट्स. हम लोग किसको चार्ज करेंगे? ये हम लोग चार्ज करेंगे चार्ज टू गुड यूनिट्स. सही है सोनो फ्रेंड्स. 3064 एंड 60 यूनिट्स चार्ज टू गुड यूनिट्स. सही है सोनो फ्रेंड्स. परफेक्टली क्लियर हो. आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड? 100 यूनिट्स में से 60 आपका किसमें चला जाएगा? नॉर्मल लॉस. और बाकी का आपका कहां चला जाएगा? एबनॉर्मल लॉस. और बाकी ये कहां आपका कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. सही है सर. 3064 आपका कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सही है सर. आपका कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट फ्रेंड्स. और एक आपको मेटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं. जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 4